उज्जैन के जिला की नागदा तहसील की ग्राम पंचायत टकरावदा में बारिश में गरीब परिवार के मकान ध्वस्त हुए। उनका सर्वे करने पटवारी के आने पर ग्रामीणों ने गुस्सा आक्रोश जताया, मंत्री व सरपंच की पोल खोल दी। वह अंधेरी नगरी बना रखी है जहां पर राजा रानी बनकर रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत टकरावदा में ग्रामीणों के साथ चलती लगातार बारिश होने से गांव में कच्चे मकान ध्वस्त हो गए। उन सभी मकानों का सर्वे करने पहुंचे पटवारी सरपंच के साथ। सर्वे के दौरान ग्रामीणों ने पटवारी के सामने मंत्री सरपंच के अत्याचार से परेशान होकर गुहार लगाई एवं पोल खोल दी, जहां विकास के नाम पर ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी की एवं सभी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आवास, जलवर्धन, सड़क, नाली, अनिवृष्टि से मौत पर सहायता राशि नहीं मिली। वही जब गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने सरपंच से सवाल जवाब किए तो सरपंच गोलमाल होने लगे। ग्रामीणों की परेशानियों की बात सचिन ने मीडिया के सामने जवाब देने से छिपते रहे, लेकिन एक सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए। मैं ग्राम पंचायत टकरावदा सरपंच प्रतिनिधि जी। यहाँ पर जो अभी बरसात के कारण मकान धराशायी हुए हैं, इस पे किस तरह से आपका पटवारी निरीक्षण एवं आपके पंचायत स्तर पे क्या निरीक्षण हुआ है? हमारे पंचायत स्तर पे पटवारी साहब को सूचना दी गई थी कि हमारे यहाँ जो मकान है कई तरह के क्षतिग्रस्त हो गए हैं जी, उसकी आप आके इसकी देख रेख करके इसका पंचनामा जो बनाया जाए जी, साथ ही जी। तो फिर वो पटवारी साहब आए थे, तो कम से कम 15 पर लगभग जो बनाए हैं मकान उनके देख के उन्होंने पंचनामा बनाया। फिर ग्राम के पंचों के साइन भी लिए गए। किस स्तर पे आपने प्रधानमंत्री आवास का यहाँ पर ग्रामवासियों को लाभान्वित किया है, कितने मकान आपने अभी तक दिए? 2011 में जो सर्वे हुआ था उसका 5 था, आपने 5 पूर्ण हो चुके हैं जी। और अभी 17-18 में जो सर्वे हुआ है नया, उसका भी कोई आया नहीं। अभी जो पात्र हितग्राही है कितनी सूची आपके पास है जिसमें आपको मकान अभी देना है? लगभग 180 के करीबन। 180 की किस तरह से जो अभी धराशायी मकान हुए हैं इनको किस तरह से अभी निरीक्षण के बाद इनको मुआवजा दिलाया जाएगा या किस तरह से राहत प्रदान की जाएगी? वो तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब के समक्ष, कलेक्टर साहब के समक्ष सौंपेंगे, उसमें क्या होता है उधर से जो आएगा उसका आप करेंगे। यहाँ पर जो परिपालन जो है पटवारी द्वारा कहा गया है ग्रामवासियों को कि मकान पूरा गिरेगा या फिर कोई चोटिल अवस्था में कोई व्यक्ति पाया जाएगा तो निरीक्षण होगा, क्या आपको पता है? मामला ऐसा कुछ नहीं, हम मौके पे वहीं थे और सत्यनेशन के मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है ये तो हम नहीं बोल सकते, ग्रामीण के लोग झूठ बोले, लेकिन मौके की स्थिति मतलब कहीं ना कहीं पटवारी से सहमत ग्रामवासी नहीं है, इसके लिए आपने ऐसे कुछ रूपरेखा देखी? हमने कोई रूपरेखा देखी, कम से कम 10-15 लोग हम साथ में थे और जाके घूम घूम के करवाए जी जी जी। यहाँ पर जो पात्र हितग्राही है उनके साथ राशन कार्ड जो बीपीएल धारक है उनको भी राशन कार्ड में कुछ कई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके लिए भी कुछ विशेष कदम उठाया गया आपने, जैसे उनका नाम ना जुड़ना, राशन ना मिलना? नाम तो लगभग उसके उसके आईडी के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे के कहीं से नाम पीछे से जो जुड़े हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं। इसकी समस्या खाद्य आपूर्ति अधिकारी के द्वारा आ रही है, आपके द्वारा नहीं आ रही है? भोपाल से ही समस्या। मैडम बोल रही पहले आप सर, किस तरह से यहाँ पर जो हितग्राही है जो पीड़ित है उसको किस तरह से यहाँ पर अनुदान या फिर किस तरह से उन्हें लाभान्वित या फिर उन्हें सहयोग किया जाएगा? नहीं, अपना जो है अपन ने पंचनामा बनाना अपना काम है, जो फोटो उसका खींचना, कितना क्षति हुआ है, कितना परसेंट नुकसान है, मकान आवासी है या गैर आवासी है या पशु शेड है, ये सारी वेराइटी उसमें लिखना पड़ती है। उस मापदंड के आधार पर RBC 6-4 में जो प्रावधान है उसमें फिर तहसील कार्यालय से वो नियम देख के उस हिसाब से आर्थिक सहायता जो शासन की तरफ से बनती है वो निर्धारण करते हैं। सर अप्रोक्स कितने मकान आपके चिन्हित हुए हैं जो इस कैटेगरी? करीब मैंने कल 30 मकान चिन्हित किए थे जी, जिसकी रिपोर्ट पंचनामा तैयार कर ली गई है और रिपोर्ट बना ही रहा था आज मैं रूम पे। आज वापस आप पधारे हैं, पुनः पधारे हैं, क्या कुछ यहाँ बढ़ोतरी हुई है इस क्षतिग्रस्त में? नहीं, अभी देखूंगा, मैं देखूंगा जो लोग आए थे एक दो लोग मेरे पास। ठीक ठीक। न्यूज़ इंडिया N9 से ब्यूरो चीफ महेश सोनगरा की रिपोर्ट।